और भाई लोग क्या हाल चाल है। एक सेकंड भाई, यहाँ पे ये गाय क्या कर रही है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। पुक्की चिंकी यार, ये गाय कहाँ से आ गई है? अरे ये गाय सुबह से ही यहाँ पे खड़ी है, पता नहीं क्या करने के लिए। मुझे तो लगता है इसे भूख लगी होगी। नहीं नहीं, इसे प्यास लगी होगी। यार भूख प्यास लगी होती तो यहाँ पे देखो भाई, घास कितनी ढेर सारी, ये यहाँ पे इतनी ढेर सारी घास है। अब तक ये घास वास खा लेती यार, लेकिन अभी ना इसने घास खाया ना कुछ। घास वास खाया था क्या? अभी तो मैं अभी आ रहा हूँ, तुम लोग बताओ यार, घास वास खाया था क्या इसने? अरे नहीं नहीं, घास वास कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो खिलाया भी था लेकिन धात नहीं खाया इतने। वही तो टकलू भाई, इसने ना घास खाया ना इसने पानी पिया, तो फिर आखिर ये यहाँ पे आई क्यों है? क्या काम हो सकता है इसका यहाँ आने का? भाई कोई रीजन तो होगा, काश मैं इसकी भाषा को समझ पाता, इसकी लैंग्वेज को समझ पाता तो अब तक मुझे पता लग जाता भाई कि आखिर ये कहना क्या चाहती। कुछ ना कुछ तो कहना चाह रही है, बट क्या कहना चाह रही है भाई समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ पे हमसे हेल्प मांगने आई है? तुमने सही कहा पिंकी, हो सकता है इसके पेट में दर्द हो रहा हो इसलिए यहाँ पे वो हेल्प मांगने आई है। फ्रैंकलिन, मैं तो कहूंगा तुम डॉक्टर को जल्दी से बुला लो, उसके बाद इसको दिखा दो, हो सकता है इसकी सच में तबीयत खराब हो। हाँ भाई, हाँ तुम सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, बुला लो भाई डॉक्टर को, मैं तो कहता हूँ जल्दी से, वरना ये मर जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ यार तुम लोग भाई बिल्कुल सही कह रहे हो यार। मैं क्या करता हूँ ना गाइस, पहले डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। ओके डॉक्टर भाई, डॉक्टर भाई जल्दी आ जा यार। ओके भाई कॉल लग गया है। हेलो डॉक्टर सर, यहाँ पे एक गाय आ चुकी है जिसकी तबीयत मुझे कुछ खराब लग रही, तो जल्दी से आप आ जाइए और देख लीजिए, शायद इसकी तबीयत खराब है या फिर नहीं खराब है, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप आ जाइए जल्दी से देख लीजिए इस गाय को, शायद आप इसको ठीक कर दें। ऑल राइट गाइस, डॉक्टर ने कहा है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब जब तक वो आते हैं भाई, तब तक हम लोग को इसकी देखभाल करनी होगी। और भाई यार यहाँ पे पानी वानी की तो व्यवस्था आया नहीं, सिर्फ घास की व्यवस्था है, तो हो सकता है भाई ये प्यासी हो, भाई इसको पानी पिलाओ भाई पहले तुम लोग। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इसके सामने भाई बाउल में पानी रख दिया, अब देखते हैं भाई पीती है या फिर नहीं पीती है। यार मुझे नहीं लगता ये पानी से प्यासी है, मतलब पानी की प्यासी नहीं यार, कुछ और इसको दिक्कत हो रही है भाई, तभी यहाँ पे खड़ी यार। काश मैं इसकी लैंग्वेज समझ पाता यार, काश। ओ भाई साहब ये कुछ तो बोल रही भाई, लेकिन क्या बोल रही यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोल रही यार, पता नहीं क्या बोल रही है यार, क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ। डॉक्टर आ जाए उसके बाद समझ में आएगा गाइस इसकी तबीयत खराब है कि अब क्या 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 प्रॉब्लम है इसको। अरे भैया किसने फोन किया था यार यहाँ से, किसी की तबीयत खराब है क्या यहाँ पे, किसने फोन किया था यहाँ पे यार? अरे डॉक्टर साहब आप आ गए, जल्दी आइए, यहाँ पे हमारे पास एक गाय आ चुकी है जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है यार, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत खराब है, अब आप देख के बताइए कि इसकी तबीयत खराब है या फिर नहीं। अरे पागल कहीं के, उसकी तबीयत खराब होती तो अभी वो बैठ जाती, उसकी तबीयत खराब नहीं है इसीलिए वो खड़ी है। अच्छा मैं इसकी देखभाल करता हूँ और देखता हूँ आखिर इसको दिक्कत क्या है। ये कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है, पता नहीं कुछ तो इसको कोई हेल्प चाहिए, और ये कुछ कहना चाह रही है लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रही है, इसको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, इसकी तबीयत नहीं खराब है मैंने इतना जान लिया है। अरे ओ डॉक्टर क्या दिक्कत है, इसको जल्दी से बता क्या कहना चाह रही है, तेरे को इतना भी नहीं पता चल रहा है, तू खास किस चीज का डॉक्टर है तू, जल्दी बता जल्दी बता। मुझे तो लगता है ये नकल करके डिग्री ले लिया है बस खाली डॉक्टर वाली, वरना इसको तो कुछ पता ही नहीं है, नकल वकल करके डिग्री ले लिया होगा और बन गया है डॉक्टर। ऐसे ही एक बार मैं गई थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं पेट दर्द की दवा लेने गई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे सर दर्द की दवा दे दी थी। इतना झोला छाप डॉक्टर होते हैं सब की कुछ आता ना जाता बन जाते हैं डॉक्टर। यार मुझे तो नहीं लगता ये झोला छाप डॉक्टर, क्योंकि भाई देख रहे हो अच्छी खासी ये वैन से आया है जो कि मेडिकल की वैन होती है, पैरामेडिक वाली वैन होती है, तो मुझे नहीं लगता भाई ये नकल वकल करके पास वास होके एग्ज़ाम देके ऐसे डॉक्टर बना होगा, मुझे लगता है भाई ये अच्छा खासा डॉक्टर है। तो डॉक्टर जी जल्दी से बताइए क्या कहना चाहती है, कुछ तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा ना। तुम लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मैंने 50 साल से अपना इस करियर बनाया है इस डॉक्टर में, इस डॉक्टर की फील्ड में, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ का डॉक्टर हूँ, मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ। अगर तुम्हें इसकी तकलीफ जाननी है, इसकी प्रॉब्लम जाननी है, तो तुम्हें जानवरों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसे तब समझ में आएगा। क्या अब तो मुझे पक्का कंफर्म हो गया है, तुम भाई डिग्री लेने मतलब यहाँ पे आए हो फालतू, क्या ही बताऊँ मैं, अब तो मुझे कंफर्म हो गया है तुम भाई झोला छाप ही डॉक्टर हो, यहाँ पे इनको इनको बुलाया है कि क्या दिक्कत है इसको देख के बताओ, तो कह रहे हैं जानवरों के डॉक्टर को दिखा, मारेंगे बस सही हो
जाओगे यार। मैं तो छोड़ो, जाने तो जाओ, निकल लो यहाँ से, उसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा इस गाय का देखभाल भाई। मुझे नहीं पता इसको क्या दिक्कत है, तुम लोग अपना समझो बुझो, मैं जा रहा हूँ भैया। हाँ नहीं तो भाई, तो यहाँ पे इतनी दूर आया भी, उसके बाद कुछ पैसा भी नहीं कमा पाया यार, क्या ही बताऊँ। इसको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या इसको दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। चलो वापस चलता हूँ। नहीं तो गाइस यार, वो डॉक्टर भी चला गया यार, लास्ट उम्मीद वही थी यार, अब वो डॉक्टर भी चला गया, क्या ही बताऊँ मैं। कैसे इसको जानूँ मैं क्या इसको दिक्कत है यार, काश मैं इसकी भाषा को समझ पाता यार। कैसे मैं जानूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक काम करो गाय, तुम, हम लोग तुम्हारी भाषा को नहीं समझ पा रहे, लेकिन तुम तो हमारी भाषा को समझ पाती हो। ऑल राइट गाइज, ये हमारी भाषा को समझ पा रही तभी ये मुआ बोली है। अब तो भाई अब काम बन जाएगा। तो अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें कहीं जाना है या फिर कहीं तुम्हें मुझे लेके चलना है तो प्लीज़ मुझे लेके चलो और अपनी प्रॉब्लम को बताओ, ताकि हम लोग को भी पता लगे ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। ऑल राइट गाइज, ये हमारी भाषा को समझ रही है तो ठीक है, अपने पीछे पीछे हम लोग को लेके चलो, और जहाँ जहाँ तुम चलोगी मैं वहाँ वहाँ चलूंगा, और जहाँ पे भी तुमको कोई प्रॉब्लम आएगी तुम वहाँ पे रुक जाना और हमें बताना। ऑल राइट गाइज, ये तो भाई बिल्कुल समझ रही है, अब आएगा असली मजा भाई। यार कौन कौन चलेगा इस गाय के साथ ये बताओ पहले। चुकी कसम मैं तो चलूंगा भाई, कोई चले या फिर ना चले। रियल फ्रेंगी भैया मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी, मतलब सारे के सारे लोग चलेंगे भाई, कोई भी नहीं रुकने वाला। तो चलो गाइज चलते हैं, देखते हैं, चलो गाय जल्दी चलो। ऑल राइट गाइज, ये गाय बोल रही है और लेके चल रही भाई हम लोग को कहीं पे, कहाँ लेके चल रही गाइस। यार मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा भाई ये जहाँ पे इसको प्रॉब्लम है वहाँ पे लेके चल रही है। हो भाई साहब, हम लोग को इसकी भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन इसने हमारी भाषा समझ ली और मुआ मुआ बोल रही है भाई, जिससे हम लोग को पता लग रहा है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तो गाइस यार अब आएगी असली मज़ा, क्योंकि अब हम लोग को पता लग जाएगा आखिर इसको दिक्कत क्या है, क्यों यहाँ पे सुबह से खड़ी थी और कहाँ लेके जा रही है हम लोग को। अरे तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो भाई, जल्दी बताओ। अरे तुमने सुना नहीं क्या, वो गाय उन लोग को लेके जा रही है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ हो सकता है उसके घर में कोई दिक्कत हो, इसी वजह से वहाँ पे लेके जा रही है। हाँ भाई तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, फिलहाल ये गाय चलो 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 गाय चलो 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 गाय, ये गाय चलना शुरू कर दी है और हम लोग भी इसके पीछे पीछे लग गए हैं भाई, इसकी क्या प्रॉब्लम है हम लोग देखेंगे भाई। ऑल राइट गाइज चलो गाइज चलते हैं, मजा आ रही गाइज, इस गाय को फॉलो करने में मजा आ रही है। अब देखना यही है कि आखिर ये गाय हमें लेके जाती कहाँ है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि इसके जो साथी हैं उनको मारा जा रहा है, या फिर ऐसा कुछ कि कहीं कोई और दिक्कत हो इसको, या फिर इसके किसी दोस्त को फ्रेंड को, यार कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, बट भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इसको, तभी ये हम लोग को लेके जा रही है अपने साथ में। चलो जल्दी जल्दी चलो यार। ओह भाई यहाँ पे ये गाय तो दौड़ने भी लगी भाई, ओ माई गॉड गाइज जल्दी जल्दी चलो भाई, दौड़ दौड़ के चलो। ओ माई गॉड गाइज, यहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे आ रहे लेकिन ये गाय दौड़ने लगी, क्या हुआ भाई ये रुक क्यों गई। ओ भाई अब समझा, ये हम लोग का वेट कर रही थी इसलिए रुकी थी। चलो 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 भाई मज़ा आ रही है, चलो चलो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के आओ भाई उसकी। ओ भाई ये क्या, ये तो गिर गई गाय ही, शिट यार। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, खड़ी भी हो गई गाय। ओ भाई मुझे तो लगा था भाई गिर गई, तबीयत खराब हो गई इसकी, बट कोई बात नहीं खड़ी हो गई है। फिलहाल गाइस ये गाय दोबारा से चलना शुरू कर दी है और हम लोग को कहीं ना कहीं तो लेके जा रही है भाई साहब। हम सारे के सारे लोग इसके पीछे पीछे लगे हुए हैं बस ये जानने के लिए कि आखिर इसको दिक्कत क्या है, आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। हम लोगों ने इससे खाना पानी सब कुछ पूछ लिया, बट खाना पानी इसको भूख नहीं लगी भाई, इसका पेट बिल्कुल भरा है, बस इसको कुछ और दिक्कत है, और क्या दिक्कत है वो हमें लेके जा रही है। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं क्या ही दिक्कत है, कहाँ पे लेके जाती है ये। तो गाइस अभी हम लोग इसके पीछे पीछे आते आते भाई देख रहे हो कहाँ पे पहुँच गए भाई, ये यार कहाँ लेके जा रही यार, ये मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है भाई कहीं कुछ भाई सीक्रेट चीज़ है वहीं पे लेके जा रही है, क्या क्या ही पता भाई यार, ये कहाँ लेके जा रही है यार। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं भाई, एक घंटा बीत चुका होगा, बट अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया कहाँ लेके जा रही है। बस इतना समझ में आ रहा कि नदी के पास लेके आई है, अब लेके कहाँ जा रही है, नदी में कहीं कोई डूब तो नहीं रहा गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई फ्रेंड है जो कि नदी में डूब रहा है। देखते हैं, एक सेकंड भाई, सामने तुम लोग देख रहे हो अगर वहाँ पे एक गाय दिख रही है भाई, अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो वहाँ पे एक गाय है, शायद वो फंसी हुई है। देखते हैं गाइस ऐसा कुछ है क्या, अगर ऐसा होगा तो भाई हम लोग चल के उसको निकालेंगे भाई, यहाँ पे गाय फंसी है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, मज़ा आएगी गाइस मज़ा आएगी। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, फिलहाल गाइस ये गाय देख रहे हो डूब जाएगी मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा पानी है, बट कोई बात नहीं गाइस यहाँ पे हम लोग भी इसके साथ साथ में चलेंगे। इतना ज़्यादा पानी में गाय चल रही भाई साहब, क्या ही खतरनाक दोस्ती है भाई, और कोई होता तो इतने पानी में आता ही ना, लेकिन ये गाय भाई अपने फ्रेंड के लिए यहाँ तक आ गई
गई है। ओ माई गॉड गाइज, आधी डूब चुकी है गाय, लेकिन अभी भी वो रुक नहीं रही है। और भाई यहाँ पे ये पहाड़ भी चढ़ गई और आगे, ओ भाई दोबारा से ये गाय गिर चुकी है, बट अभी भी रुकी नहीं है भाई, अभी भी चल ही रही है। और गाइज ये देखो भाई, अब मुझे समझ में आया, अगर तुम लोग को सामने दिख रहा हो तो इसका कोई फ्रेंड है जो कि वहाँ पे फंस गया है यार। ये देखो गाइज, अब मैं समझा भाई ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों थी, इसकी कोई फ्रेंड है भाई जो यहाँ पे फंसी हुई है। और हम लोग यहाँ पे भाई देख रहे हो इतना ज़्यादा गैप है और यहाँ पे है। गाइज यार मैं कैसे लेके जाऊँगा, मुझे तैरना तो आता है लेकिन मैं उस गाय को भाई तैर के नहीं निकाल सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए होगा भाई, कुछ ना कुछ नाव या फिर कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा इसको निकालने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ की दूरी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, अगर हम लोग नाव लेंगे तभी काम बनेगा वरना काम नहीं बनने वाला अपना। ओ भाई यार दया आ रही उस गाय पे यार, कैसे हम लोग उसको निकालें यार, यहाँ पे नाव भी नहीं है आसपास यार, क्या किया जाए। यहाँ पे एक नाव पड़ी तो है लेकिन यार ये तो खचाड़ी नाव है यार, कैसे निकाले कैसे निकाले। रेड हल्क भाई तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? मोचो की कसम, चलो हम लोग नई नाव खरीद के लाते हैं। अरे जब तक हम लोग नई नाव खरीद के लाएंगे तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, अगर ज्यादा पानी बढ़ गया तो ये गाय जो है डूब जाएगी और बह जाएगी पानी में। हाँ यार गाइस ये बात भी तो है भाई, अगर ज्यादा पानी बढ़ा तो भाई ये गाय जो है वो डूब जाएगी और बह भी जाएगी पानी में। यार तुम लोग 2 मिनट के लिए यहीं पे खड़े रहो, मैं इधर उधर देख के आता हूँ कि कोई नाव वाव है क्या भाई। यहाँ पे एक नाव तो पड़ी है भाई, ये वाली देख रहे हो, लेकिन ये खचाड़ी नाव है यार, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अच्छी नाव चाहिए जो कि भाई थोड़ा वेट उठा ले, क्योंकि गाय का वेट कम से कम 100 किलो से ऊपर ही होता है भाई, इसीलिए हम लोग को अच्छी खासी नाव चाहिए होगी जो कि थोड़ा वेट उठा पाए। यहाँ पे एक और नाव मुझे दिख गई शायद, लेकिन यार ये भी थोड़ी खचाड़ी ही लग रही है, बट शायद इससे काम बन जाएगा इस। ओके यहाँ पे एक नाव है, लेकिन यार नहीं यार इसमें हम लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ उस गाय को बैठाएंगे। गाइस यार कुछ दिक्कत हो जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी भाई, अच्छी खासी गाय यहाँ पे पानी में डूब के मर जाएगी सिर्फ और सिर्फ हमारे चक्कर में, इसीलिए हम लोग को कोई ढंग की गाय मतलब ढंग की नाव खोजना पड़ेगा। चलो गाइज देखते हैं कहीं कोई नाव है क्या। यार गाइज आसपास मैंने पूरा देख लिया यार, कहीं भी नाव मुझे नहीं दिख रही है। एक सेकंड भाई, यहाँ पे एक नाव मुझे दिख चुकी है, शायद ये वाली नाव हमारे काम आ जाए। गाइज यहाँ पे बाइक भी है, क्यों ना इसकी बाइक ही लेके मैं निकल लूँ यहाँ से। बेटा अभी आ रहा हूँ तुम्हारी बाइक लेके, चलो निकलो यहाँ से। चलो गाइज मैं, मुझे नाव दिख चुकी है, बस अब वहाँ पे उसका मालिक ना हो तब तो भाई मज़ा ही आ जाए। एक सेकंड भाई कहाँ गई नाव, ये रही भाई, काफ़ी बड़ी नाव है यार, ये तो मज़ा ही आ जाएगा। गाइज अपना काम बन गया भाई, बस इसका मालिक ना हो बस खाली। लेकिन एक सेकंड भाई ये तो डूब रही है, नहीं डूबी नहीं भाई, ऐसे ये फ्लोट कर रही खाली, मुझे लगा था भाई डूब रही। एक सेकंड इसका मालिक है यार इसमें, ओ शिट यार, अब यार ये कहेगा कि मैं नाव दूंगा ही नहीं यार, ख़रीदना पड़ेगा हम लोग को नाव। गाइस कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हम लोग को उस गाय को बचाना है, उसके लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। चलो गाइस इस नाव पे हम लोग बैठेंगे कैसे यार, इतना ज़्यादा ऊपर है यार, इस नाव के ऊपर बैठना है मुझे और उसको उससे बातें करना है भाई, उसके बात कैसे कर पाएंगे भाई जब तक हम लोग इसके ऊपर बैठेंगे नहीं। ऑल राइट यहाँ से मैं ऊँचा भाई साहब इधर से नीचे हुआ था मैं बैठ गया। अरे अंकल जी अंकल जी, यार काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी लग रहा है। एक सेकंड भाई इसकी तबीयत ख़राब है क्या? अंकल जी एक काम करिए आप ना, हमें ये नाव दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम आपको थोड़ी देर में वापस कर देंगे, बस 5 मिनट लगेगा बस खाली। अरे ओ मैं तुम्हें ये नाव नहीं दे सकता समझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस नाव को ही बेच के मैं अपनी दवा करवाऊँगा समझे, अगर मैंने तुम्हें ये नाव दे दी तो समझ लो मैं मर जाऊँगा। समझ गए ना यार। गाइज इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है गाइज, जिसकी वजह से इसको बार बार खांसी आ रही है और भाई ये खांस रहा है और कह रहा है कि इस नाव को बेच के ही अपना इलाज करवाएगा। लेकिन आप इस नाव को बेचेंगे कितने की ये तो बता दीजिए। अरे कम से कम 10 लाख रुपए की। क्या कहा 10 लाख रुपए की भाई? यार 10 लाख तो है ही नहीं मेरे पास यार, क्या होगा यार क्या होगा, कहाँ से मैं लाऊं 10 लाख रुपए ताकि ये नाव खरीद पाऊँ भाई। अगर मैंने इसको ख़रीदा ना तो वहाँ पे जो गाय है ना वो डूब जाएगी और मर जाएगी गाइस। लेकिन यार क्या करूँ भाई क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप हमको ये नाव रेंट पे दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बस खाली आप इसका किराया ले लीजिएगा जो भी आपका किराया होगा। ठीक है किराया ही दे दो, कम से कम मुझे 50,000 रुपए चाहिए किराया। क्या कहा 50,000 रुपए? यार गाइस यार क्या ही बताऊँ मैं, 50,000 रुपए भी नहीं यार, मेरे पास खाली 10-5 रुपए पड़े होंगे यार बस खाली, यार क्या ही बताऊँ। गाइस एक काम भी तो कर सकते हैं,
इसकी नाव लेके चलते हैं और इसको ऐसे ही बैठाए रहते हैं, तो इसको यकीन भी रहेगा कि हाँ हम लोग बहुत जल्दी अपना काम करके इसकी नाव को वापस कर देंगे। आपको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, मुझे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस पैसे दो, मैं अपना इलाज करवाऊंगा। यार गाइस, यार इसका इलाज, एक सेकंड भाई, जो हमें डॉक्टर मिला था वो डॉक्टर अगर हम लोग बुला लें, क्योंकि वो इंसानों का डॉक्टर था, तो यहाँ पे इसका इलाज कर सकता है भाई। हाँ यार समझ में आ गया, रुको गाइस जल्दी से उसको कॉल करता हूँ। ऑल राइट गाइस, हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से एकदम आ जाइए, एक इंसान है जो कि मरने वाला है, बस खाली समझ लीजिए खांस खांस के मरा जा रहा है। अरे ओ, मेरे बारे में इतना बुरा बुरा मत बोलो। अरे अरे इतना बुरा नहीं बोलूंगा ना, तो अभी वो डॉक्टर वो आएगा ही नहीं, बहुत ज्यादा पागल डॉक्टर है वो, झोला छाप डॉक्टर है। अरे मेरा इलाज झोला छाप डॉक्टर से करवाओगे तुम? अरे नहीं नहीं, और झोला छाप डॉक्टर से नहीं करवाऊंगा, वो काफी मतलब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, बस खाली आपका इलाज करेगा और आप तुरंत एकदम सही हो जाएंगे, देख लीजिएगा, चाहे एकदम टंच हो जाएंगे, आपको कभी खांसी नहीं आएगी, एकदम आप जवान हो जाएंगे, ऐसा इलाज करेगा वो। ठीक है, अच्छा बुला लो। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। ऑल राइट गाइज, मैंने डॉक्टर को तो बुला लिया है, बस वो आएगा, इसका इलाज कर देगा, उसके बदले में गाइज हम लोग ना इसकी नाव लेके चलेंगे और वहाँ पे उस गाय को बचा लेंगे। गाइज यार मजा आ जाएगी, हम लोग का काम सस्ते में हो जाएगा भाई, सिर्फ डॉक्टर को हम लोग को पैसे देने पड़ेंगे और भाई काम हो जाएगा, लेट्स गो भाई, मजा आने वाली, बस खाली डॉक्टर का इंतजार है भाई, डॉक्टर आ जाए के बाद तो भाई मजे ही मजे हैं जिंदगी में। कहीं से तो फोन आया था यार, कहाँ है, कौन है, किस, कौन मरीज है यहाँ पे जिसको इलाज करवाना है भैया, कौन है यार, यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है यार, कहाँ है भैया, कौन है यार, किसको इलाज करवाना था, यहीं से तो फोन आया था मुझे। अरे डॉक्टर साहब इधर देखिए, इधर नाव के ऊपर। अरे कौन है, कौन नाव के ऊपर? अरे भैया फ्रैंकलिन तुम हो क्या यार? अरे यार चलो अब क्या ही कर सकते हैं, इसके पास तो चलना ही पड़ेगा यार एक बार, लेकिन यार यहाँ पे तो पानी भरा है। अरे भैया पानी से इतना ज्यादा डरते हो यार, नहाते वहाते नहीं हो क्या? पानी भरा है यहाँ पे, ज्यादा गहरा पानी नहीं है, बस आ जाइए जल्दी से, यहाँ पे ये मरीज मरने वाला है। अच्छा ठीक है यार, आ ही जाता हूँ, अब क्या ही बताऊँ, चलो यार जल्दी से तैर के चलता हूँ, अच्छे खासे कपड़े मेरे भीग गए, यहाँ पे अब ऊपर चला रहे हैं भैया, ये नीचे ही मैं आ गया यार, ऊपर चलना था नीचे आ गया, एक तो इसकी नाव में कोई सीढ़ी भी नहीं लगी, मैं वापस कैसे जाऊँ यार ऊपर, चलो भैया आ गया फाइनली मैं ऊपर, सीढ़ी लगवाओ यार, कैसे मैं ऊपर आऊँ यहाँ पे, ये ऐसे पकड़ के चलता हूँ, चलो आ गया भैया मैं यहाँ पे, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने यार, क्या ही बताऊँ मैं, पहले तो बुलाए गाय सही करने के लिए, अब बुलाए हो इंसान सही करने के लिए, लाओ किसका इलाज करना है? अरे आपके बगलिए में तो खड़ा है वो, देखिए एकदम चिरकुट सा, वही उसी का इलाज करना है। हाँ तो बताइए भैया क्या दिक्कत है आपको? अरे डॉक्टर साहब खांसी आ रही खाली। ठीक है अभी तुम्हें इलाज करता हूँ और सही हो जाओगे तुम, ये आबरा खटाबरा गिली गिली छू। अरे ये कौन सा इलाज है भैया? अरे भैया जो भी इलाज कर रहे हैं वो डॉक्टर, वो उनसे करवा लो बस खाली। ठीक है यार करवा लेता हूँ, लेकिन यार जल्दी से यार, मेरी तबीयत और खराब होती जा रही है भैया। एक सेकंड भाई, अरे डॉक्टर भैया क्या इसका इलाज किए कि मर ही गया? अरे मैंने इसको खाली सर दर्द की गोली दी थी बस खाली। यार सर दर्द की गोली, लेकिन क्यों भाई, सर दर्द थोड़ी हो रहा था इसको, इसको तो खांसी आ रही थी ना। हाँ लेकिन मेरे पास खांसी वाली गोली नहीं थी, तो मैं क्या करता, मैंने सर दर्द की गोली दे दी। अरे डॉक्टर कौन तुमको डॉक्टर बनाया भैया, क्या ही बताऊँ इस डॉक्टर को, टकले में तुम्हारे कोई बुद्धि उद्धि डाला या फिर नहीं डाला है? यार गुस्सा आ रही, मन कर रहा है इसको यहीं लपेट दूं, लेकिन यार छोड़ो अब क्या ही बताऊं इसको भाई, मेरा काम तो लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है, अभी इसका इलाज करता उसके बाद हम लोग इसकी ये नाव लेके जाते, उसके बाद तो भाई ये पैसे लेता, लेकिन अब यार गाइस ये डॉक्टर हुआ ने इसको मार डाला यार, अब चलो अब मार डालो तो मार डाला गाइस, अब इस डॉक्टर को भेज देते हैं अपने घर, जा भैया जाओ, तुम मार डाले तो मार डाले, अब क्या ही कर सकते हैं, तुम जाओ अपने घर और फिलहाल मैं जाता हूँ इस नाव को लेके उस गाय को बचाने, जा भैया जाओ तुम। ठीक है भैया जैसा कहो यार, क्या ही बताऊँ, पहले कस्टमर था ये, मैंने सोचा था कुछ पैसा वैसा कमा लूँगा, लेकिन यार इसको तो मैंने मार ही डाला, अब क्या ही बताऊँ, छोड़ो जाने दो। गाइस यार फाइनली डॉक्टर जा चुका है और ये भी मर चुका है, मतलब ये नाव जो है वो मेरी है। चलो गाइस अब ये नाव पे कब्जा करते हैं और आगे की तरफ लेके चलते हैं, लेट्स गो भाई, यहाँ पे ये रहा स्टीयरिंग इसका, चलो भाई कितनी तगड़ी नाव है भाई, चलेगी क्या, चल रही क्या, चल भी रही है गाइस, ये देखो भाई चल भी रही है नाव, बस अब इस गाय को यहाँ पे बचाना है, उसके बाद तो अपना काम हो गया भाई, लेट्स गो भाई, बस जल्दी इस गाय को बचा लें, उसके बाद भाई ओ भाई यहाँ से, लेकिन यार हम लोग उस गाय को यहाँ पे ला देंगे कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे गाइस, पहले यहाँ पे लेके चलते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ करके इसको लेके आ ही जाएंगे। ऑलराइट यहाँ पे आ गए गाइस हम लोग,
अब इस गाय को जल्दी से इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद काम हो जाएगा। चलो 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 चलो, जल्दी से भाई जल्दी से, वरना पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऑल राइट, ओ भाई जल्दी यार, जल्दी करो, जल्दी 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 जी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑल राइट भाई, यहाँ पे गाय, भाई साहब यहाँ पे गाय आ चुकी है, और ये रही गाय। चलो गाय, इसको जल्दी से ना मैं अपने कंधे पे बैठा लेता हूँ, उसके बाद ही भाई आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, वरना ऐसे तो भाई लेके जा ही नहीं पाएंगे इस गाय को। जल्दी से गाय मेरे कंधे पे बैठ जाओ जल्दी से। तो फाइनली गाइस, ये देखो मैंने इस गाय को बचा लिया है। भाई साहब कितनी ज़्यादा मेहनत लगी, अब बस इसको जल्दी से किनारे पे लेके चलना है, उतार देना है ताकि ये सेफ हो जाए। गाइस यार कितना अच्छा लग रहा है इस गाय को बचा के। चलो गाइस जल्दी से इसको किनारे पे लेके चलते हैं और उतार देते हैं। भाई सेफली उतारना होगा, देख रहे हो हमारी नाव भाई कितनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है। चलो भाई जल्दी से इसको सूखी जगह पे लेके चलते हैं और उतार देते हैं, ताकि ये भाई बिल्कुल सेफ हो जाए। बाकी सारे के सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, उन लोगों को खड़े रहने देते हैं। भाई यहाँ पे पंछी देखो उड़ रहे हैं गाइस, यार कितना मस्त। चलो गाइस जल्दी से लेके चलते हैं और इसको वहाँ पे बाहर उतार देते हैं। लेट्स गो भाई, यार कितना मज़ा आई भाई इसको बचाने में, मज़ा ही आ गई गाइस, मज़ा ही आ गई। चलो जल्दी थोड़ा सा बूस्टर लगाते हैं गाइस। ओ भाई साहब इसमें बूस्टर है यार, मुझे लगा वो शर्ट यार जो गाय थी वो नीचे गिर गई है, बट उसको कुछ हुआ नहीं, अच्छी बात तो ये है। चलो गाइस यहाँ पे सबको बुला लेते हैं, ये देखो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है भाई। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग उस गाय को बचाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं भाई, यार मज़ा ही आ गई। लेट्स गो, चलो गाय माता चाप को बचा लिया हम लोगों ने। तो फाइनली गाइस यहाँ पे दोनों गाय का आपस में मिलाप हो गया है भाई, दोनों लोग बहन हैं, ये भी बहन है इसकी और ये इसकी बहन है। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं गाइस ये लोग, देख के ही लग रहा है एकदम ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने इन दोनों गाय को बचा लिया भाई, अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पे आ गए यहाँ पे, वरना भाई अब तक तो ये गाय डूब जाती और कोई बचा भी ना पाता इन लोग को। बोल चुकी कसम, तुमने बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। अरे भाई खुशी की बात कर रहे हो, यहाँ पे एकदम मैं फूले नहीं समा रहा हूँ यार, इतनी मस्त गाय बचा लिया मैंने, वरना भाई अब तक यहाँ पे डूब जाती है 100% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तुम लोग खुद देख लो भाई, तुम खुद देखो, इसीलिए भाई इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था और जल्दी से बचाना था। लेकिन यार दुख ये है कि जो नाव का ओनर था वो डॉक्टर उसको मार डाला, उसको खांसी आ रही थी और वो आया और उसको उसको दे दिया उसने सर दर्द की दवा, जिसकी वजह से वो मर ही गया भाई। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर वो मरा ना होता शायद हमें बोट ना मिलती, और बोट ना मिलती तो शायद ये गाय ना बचती, इसीलिए भाई अच्छा हुआ जो भी हुआ। फिलहाल गाइस तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।